हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने के लेटर कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारी वोकैब सेशन का सेशन 69। सो चलिए शुरू करते हैं, आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। आज के वर्ड्स हैं हमारे एल लेटर के ऊपर। सो पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लेबरिंथ। सो लेबरिंथ होता है भूल भुलैया टाइप, लाइक अ जाल, भूल भुलैया। आप पिक्चर से देख सकते हैं, भूल भुलैया टाइप है, अगर कोई चला जाए तो गुम हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल से बाहर आएगा। तो इसका मतलब होता है मेज या समथिंग लाइक अ मेज, यानी भूल भुलैया जैसा। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शंस हैं हमारे इसके फोर ट्वीटस। ये होता है हमारा, ये होता है एक्सीडेंटल, कोई भी चीज़ जो एकदम होती है, अचानक से होती है, अकरिंग बाय चांस, यानी कि जो चीज़ एकदम से होती है, अचानक से होती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रपैसियस। रपैसियस होता है मेरा ग्रीडी, एवराइस, यानी कि लालची, जिसके अंदर लालच होता है किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है ग्रीडी एवराइस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टैसिटर्न। टैसिटर्न होता है मेरा रेटिसेंट, यानी कि अल्पभाषी, जो कम बोलता हो, कम बोलता हो। सो ये हो गया हमारा रेटिसेंट। ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, टैसिटर्न और रेटिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मेज। मेज का मतलब भी क्या हो गया, भूल भुलैया, लाइक का जाल, भूल भुलैया टाइप जो होता है ना। तो लेबरिंथ का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, मेज लग जाएगा। नेटवर्क, इसमें भी लिख लेते हैं, नेटवर्क ऑफ पाथ एज अ पजल, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जो पजल भरा है। जैसे ये देखिए कि पाथ है, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, और कैसा है ये, पजल भरा है, बहुत डिफिकल्ट है इसको, इसमें बाहर आना इससे। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लैकोनिक। लैकोनिक का मीनिंग बताना है। लैकोनिक होता है मेरा कम शब्दों में, ये होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यानी कि टू द पॉइंट, ठीक है, यानी कि कम शब्दों का प्रयोग करना। सो ऑप्शंस क्या है इसके, प्लोरिफिक। प्लोरिफिक होता है फेकेंड, एक वर्ड पढ़ा था हमने एफ में, फेकेंड होता है हमारा फर्टाइल, यानी उपजाऊ। ये भी क्या है हमारा, उपजाऊ, फर्टाइल। तो जहाँ आपने अपना फेकेंड लिखा था, वहाँ पे आप एक वर्ड और सिनोनिम ऐड कर लीजिए, प्लोरिफिक, या प्लोरिफिक के आगे आप फेकेंड लिख लीजिए, एक नया वर्ड और ऐड हो गया, यानी उपजाऊ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टायरेड। टायरेड क्या होता है, ये होती है कड़वी बोली, बिटर स्पीच, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता हो, गंदा बोलता हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ब्रेविटी। ब्रेविटी होता है ब्रीफ, यानी कि कम शब्दों में। सेकंड हमने एक वर्ड पढ़ा था, ऑप्शंस में देते रहते हैं हम, सेकंड हो गया, ब्रीफ हो गया, ये सारे क्या है, ब्रेविटी, यानी कम शब्दों का प्रयोग करना। सो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको कितने वर्ड्स याद है जो हम कम शब्दों के लिए यूज़ करेंगे, जैसे ब्रेविटी हो गया, सेकंड हो गया, ब्रीफ, लैकोनिक हो गया, और जितने भी आपको याद है वो सब लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एसोटेरिक। एसोटेरिक क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो चीज़ मुश्किल हो समझने में, हार्ड या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, ए से हम एल लेटर तक आ चुके हैं, हमने काफ़ी लेटर्स कवर कर लिए हैं, हम जल्दी ही आपको सारे लेटर्स कवर कराएंगे, लेकिन लर्न करना, रिवाइज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ये वर्ड्स हम करा के हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको रोज़ पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। ये वर्ड्स आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, आप देखिएगा। सो हमारा लैकोनिक का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, ब्रेविटी, सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लैम्पून। तो लैम्पून देखते ही क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे हंसी आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है टू मॉक, पैरोडी, होता है सेटिराइज, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है। ये होता है हमारा लैम्पून, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, पल्पेबल, यानी कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड, एक और सिनोनिम लिख सकते हैं इसका, पल्पेबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या होता है मेरा, बर्लेस्क भी क्या होता है, पैरोडी, किसी का मजाक बनाना बोलकर या लिखकर।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेडोलेंट. रेडोलेंट होती है खुशबू, फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस यानी खुशबू. नेक्स्ट वर्ड है मेरा डूबियस. डूबियस होता है डाउटफुल यानी संदेही. सो हमारा लैम्पून का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? बर्लेस्क लग जाएगा. नेक्स्ट वर्ड, वॉट इज द सिनोनिम ऑफ लेमेंट. लेमेंट का मीनिंग बताना है. लेमेंट होता है दुखी. जब हम किसी की मृत्यु से दुखी होते हैं, जब हम कोई छोड़कर चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद का जो दुख, विलाप दुख होता है, उसको बोलते हैं लेमेंट. टू मॉर्न, लुगुब्रियस, ये होता है हमारा लेमेंट यानी विलाप, दुख. पहला ऑप्शन ही क्या है हमारा? मौन. मौन का मतलब क्या हो जाएगा? दुखिया, विलाप. नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिक्विसाइट. ये होता है, ये होती है कोई भी चीज़ नेसेसरी. नेसेसरी या एसेंशियल, ठीक है. और मौन भी लिख लेते हैं हम. क्या होता है? सोरो. नेक्स्ट वर्ड है मेरा फैक्टिटियस. फैक्टिटियस होता है मेरा, ये होता है बोगस, फेक, नकली, जाली. नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिलेंटलेस. रिलेंटलेस क्या होता है हमारा? यानी कि जो चीज रुक नहीं सकती, अनस्टॉपेबल, यानी कि कंटिन्यूअस है कोई चीज. सो हमारा लेमेंट का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? मौन लग जाएगा. नेक्स्ट वर्ड, वॉट इज द सिनोनिम ऑफ लैंग्विश. लैंग्विश का सिनोनिम बताना है. लैंग्विश होता है हमारा कमजोर, थका हुआ. जैसे आप ही देख सकते हैं, फिश ये वाटर से बाहर आ गई तो कैसी हो गई? कमजोर हो गई, थकी हुई हो गई. टू बिकम वीक, ये हो जाएगा कमजोर. सो हमारा पहला ऑप्शन क्या है इसका? वायबल, ये होता है डूएबल, कोई भी चीज़ करने योग्य. डूएबल, वर्केबल. तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कल्मिनेट. कल्मिनेट होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट या फिर क्लाइमेक्स. जैसे मूवी में एक टाइम आता है तो क्लाइमेक्स चल रही होती है मूवी, हाईएस्ट पीक पर होती है. किस पर होती है? पीक पर होती है अपने, होता है हमारा कल्मिनेट. नेक्स्ट वर्ड है मेरा विटिएट. विटिएट होता है किसी भी चीज़ को दूषित करना, इम्प्योर करना, खराब करना. टू पॉल्यूट, टू मेक इम्प्योर यानी किसी चीज़ को खराब करना. नेक्स्ट वर्ड है मेरा वीकन. वीकन यानी कि कमज़ोर हो जाना, फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जाना, पावर का खत्म हो जाना, यानी वीक इन पावर या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ. जैसे ये मछली है, पानी से बाहर आई तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, क्योंकि मछली जल में ही चलती है, रहती है. तो लैंग्वेज का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? वीक. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लार्गिस. लार्गिस का मतलब होता है जो अत्यधिक उदार होता है, दयालु होता है, जो दूसरों की मदद करता है, हेल्प करता है, यानी कि एक्सट्रीमली जेनरस. जेनरोसिटी, नेक्स्ट है गिविंग ऑफ गिफ्ट यानी कि किसी की मदद करता रहता है. मैग्नानिमस, अत्यधिक उदार और दयालु. सो ऑप्शंस क्या है हमारे इसके? ऑस्टेंसिबल. ऑस्टेंसिबल होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना. तो टू शो. नेक्स्ट वर्ड है मेरा सगैसियस. सगैसियस कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा वाइज है, प्रूडेंट है, यानी समझदार है. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मुनिफिकेंट. मुनिफिकेंट क्या होता है? दयालु, अत्यधिक उदार, यानी कि एक्सट्रीमली जेनरस. नेक्स्ट वर्ड है मेरा बोवाइन. बोवाइन होता है लाइक अ काउ, रिलेटेड टू अ काउ.
तो हमारा लार्गेस का क्लोज मीनिंग परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, मुनिफिकेंट लग जाएगा, यानी अत्यधिक उदार। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है ये क्या है, ये व्यक्ति इस लड़की को कुछ पैसे दे रहा है, इसकी मदद कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ लेटेंट। लेटेंट होती है जो चीज़ होती है दिखती लेकिन प्रेजेंट होती है लेकिन दिखती नहीं है, प्रेजेंट बट नॉट विजिबल। जैसे ये भाप है, इसके अंदर ये कैसी हीट है, लेटेंट हीट है, इसके अंदर हीट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। सो ऑप्शंस क्या है इसके, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट होता है रिच यानी अमीर कोई भी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनविजिबल। इनविजिबल कौन सी चीज़ होती है, जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिसको हम देख नहीं सकते, अनेबल टू सी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्लिथोरा। प्लिथोरा क्या होता है, जो चीज़ कोई भी एक्सेस में होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंसिपिएंट। इंसिपिएंट होता है कोई भी चीज़, यह वर्ड हमने आई में भी कवर किया था। इंसिपिएंट होता है कोई भी चीज़ जो शुरुआती तौर पर होती है, स्टार्टिंग उसमें होती है, यानी कि बिगनिंग या फिर एमर्जिंग। सो हमारे लेटेंट का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, इनविजिबल, यानी कि प्रेजेंट तो है बट देख नहीं सकते, इनविजिबल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को सराहना, यानी किसी की तारीफ करना। जैसे विराट कोहली उस पर आया तो एकदम से लोगों ने क्या करा, ताली बजाई उसके लिए, जिससे उसको प्रेज किया, उसको सराहाया, यानी कि टू एक्सटोल, टू प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना, सराहना, उसको आत्मबल बढ़ाना। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, डिसडेन यानी कंटेम्प्ट, किसी का तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना, टू कंटेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एग्जाल्ट। एग्जाल्ट का मीनिंग भी क्या होता है हमारा, किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा यूटोपिया। ये होता है आइडियल सोसाइटी फॉर लिविंग, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, हमारे सब लोग साथ में रहते हैं, परिवार बनकर रहते हैं, आप देखते होंगे वो शो। ये होती है एन आइडियल सोसाइटी फॉर लिविंग, यानी कि एक आइडियल सोसाइटी, उसमें रहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वनरस। वनरस होता है बोझल, डिफिकल्ट कोई भी चीज़, बर्डनसम, कोई भी वर्क बर्डनसम, यानी कि डिफिकल्ट, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो हमारा लॉट का क्लोज मीनिंग क्या हो जाएगा, एग्जाल्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा नाइन्थ वर्ड क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लेगेसी। लेगेसी होता है वसीयत या धरोहर, जो हम हमारे जो पूर्वज होते हैं जो हमें सौंप कर जाते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये अपनी की दे रहा है, यानी कि अपनी वसीयत धरोहर इस बच्चे को दे रहा है। ये होता है मेरा समथिंग हैंडेड डाउन टू पास्ट, यानी एक बीक्वेस्ट, अ बीक्वेस्ट। डाउन फ्रॉम पास्ट। सो पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसका, रीप्लेनिश। रीप्लेनिश होता है कोई भी चीज दोबारा से फिल कर देना, रिफिल कर देना, टू फिल अगेन, कोई भी चीज रीस्टोर कर देना, रीस्टोर। जैसे कि हमारी पेन होता था तो पहले क्या आता था, सब लोग पेन खरीदते थे और इंक खरीदते थे, तो इंक ख़त्म हो जाती थी तो दूसरी इंक लाकर दोबारे उसमें फिल कर देते थे पेन की बॉडी में। सो क्या कर देते हैं हम, बोलते थे ना रिफिल ला रहे हैं, यानी फिल अगेन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनट्रांसिजेंट। इनट्रांसिजेंट हमने आई में पढ़ा था, वो होता है हमारा स्टबर्न, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल। एक नया वर्ड पढ़ा था हमने लोकेसियस, ये भी क्या है हमारा, लोकेसियस, ये भी हमारा क्या था, स्टबर्न, जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जुबिलेंट। जुबिलेंट क्या होता है, हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, किसी जीत की खुशी। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, बीक्वेस यानी कि वसीयत धरोहर। तो ये इसका क्या लग जाएगा, क्लोज मीनिंग।
नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लिथार्जी। लिथार्जी होता है हमारा आलस, आलसीपन, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त। जैसे आप पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं, लड़की काम तो कर रही है लेकिन लेट लेट लेटे लेटे कर रही है, तो क्या है इसको, बहुत ज़्यादा आलस है। तो ड्राउजीनेस, लगिश, इनएक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, आलसीपन। सो हमारा इसका पहला सिनोनिम है वैपिड। वैपिड होता है हमारा डल, यानी नीरस, फीका। नेक्स्ट वर्ड है मेरा माइरेड। माइरेड होता है कोई भी चीज़ जो लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करती हो। अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, जैसे स्टार्स होते हैं स्काई में, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टॉर्पर। टॉर्पर का मतलब भी यही होता है आलसीपन। स्लगिश वर्ड है स्लोथ, तो इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा परफंक्शरी। परफंक्शरी होता है, ये होता है केयरलेसनेस, अनएंथुसियास्टिक। तो हमारा लिथार्जी का क्लोज मीनिंग लग जाएगा टॉर्पर, यानी कि आलसी, स्लगिश। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो क्विक रिवीजन करते हैं इनका। पहला वर्ड है मेरा लेबरिंथ। लेबरिंथ होता है भूल भुलैया टाइप, लाइक अ मेज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लैकोनिक। लैकोनिक होता है कम शब्दों में बताना, यानी कि यूजिंग फ्यू वर्ड्स, लैकोनिक यानी ब्रेविटी, सकेंट और टर्स। नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून। लैम्पून होता है मजाक उड़ाना किसी का लिख कर या बोल कर, यानी बर्लेस्क। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लेमेंटी। होता है किसी की डेथ के बाद जो दुख होता है, विलाप या दुख। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विश, ये होता है वीकन, कमज़ोर हो जाना, फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लार्गिस। लार्गिस होता है मुनिफिकेंट, यानी कि अत्यधिक उदार और दयालु। नेक्स्ट वर्ड है लेटेंट, ये होता है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल, इनविजिबल कोई भी चीज़। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लॉर्ड, ये होता है एग्जाल्ट, यानी कि प्रेज करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है लेगेसी। लेगेसी होती है वसीयत या फिर धरोहर, बीक्विस्ट। लास्ट वर्ड क्या था हमारा, लिथार्जी यानी कि टॉर्पर, यानी कि स्लगिश, आलसीपन। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।